अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो फिर देवी कुमार भी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा बाल तक बांका नहीं कर पाएगी वो। लेकिन किस्मत के भरोसे रहकर हम जिंदगी से हार तो नहीं मान सकते ना ध्रुव जी, खुद को बचाने के लिए हमें हाथ पैर मारते रहना होगा। वो फाइल हमारे हाथ लग गई थी, वो फोटोज हमारे हाथ लग गए थे, लेकिन पता नहीं किसने उसे हमसे छीन कर हमें बर्बाद कर दिया। कौन हो सकता है वो? रुक, सॉरी हम बिना नौक के अंदर आ गए, ध्रुव कुछ जरूरी काम चल। हम आते हैं। भैया के डर से तो ये समझ में आ रहा है कि इस केस से उनका कोई ना कोई लेना देना तो है। वो क्या हो सकता है? क्या हुआ? अचानक से क्या हो गया आपको? यार हमें एक अननोन नंबर से भी फोन आया था, कोई लड़की की आवाज थी। वो कह रही थी कि उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है और वो पुलिस में जा रही हो देने। क्या ध्रुव, वो सबूत पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए मेरे भाई। कुछ कर यार, रोक उसको। हम क्या करें भैया? हम तो जानते तक नहीं कि वो लड़की है कौन, क्या सबूत है उसके पास। अभी तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात के बारे में सिर्फ हम तीन लोग जानते थे, तुम, हम और वो लड़की। उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। आपके अलावा किसी को नहीं पता और हम पता करना चाहते थे, इसीलिए आपको कॉल किया था हमने। पर तुम्हें कैसे पता चला? उस लॉकेट का दूसरा आधा टुकड़ा आपके पॉकेट में से मिला हमें, जिसका पहला टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिला था। जैसे ही वो दूसरा आधा मिला हमें आप पर शक हो गया था। अच्छू जी, आपको सबके बारे में पता था, अभी बताया तक नहीं आपने। और जब अब तक हमें ध्रुव जी ने कुछ बताया नहीं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अभी बता दीजिए भैया, सच क्या है? क्या लेना देना है आपका इस सबसे, इस केस में? भैया आपको हमें सच बताना ही होगा, और अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो मजबूरन हमें सबको बुलाना पड़ेगा, तब आपको सबके सामने सच बताना पड़ेगा। हम सबके खातिर आप अभी हमें सच बता दीजिए, कि बात हम तीनों आपस में निपटा देंगे। आप प्लीज बता दीजिए हमें सच क्या। ठीक है, फिर हम जाकर सबको बुलाते हैं। अनिल, रुको रुको, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये बात तुम घर में किसी को नहीं बता सकते, प्लीज। जो कुछ भी सुना तुमने, प्लीज उसे भूल जाओ। हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, हम नहीं चाहते थे कि ये बात तुम यहां घर में से कोई भी जाने। प्लीज जो कुछ भी सुने भूल जाओ उसे। आखिर अभिषेक भैया ने ऐसा किया क्या है? अगर इस तरह हाथ जोड़ा है हमारे सामने, मतलब कुछ तो गलत जरूर हुआ है। आप क्यों नहीं बता रहे हमें ध्रुव जी, क्या हुआ है, क्या है सच? आप हमें नहीं बताएंगे क्या ध्रुव जी? पत्नी है ना हम आपकी, एक सेकेंड, वो फाइल और फोटोज क्या सच में चोरी हुई है या फिर? गायब कर दिया गया है।
मंदिर के सामने हमने हमारे नए रिश्ते की शुरुआत की थी ध्रुव जी। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, एक दूसरे की ढाल बनने की कसम खाई थी, इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने की कसम खाई थी हमने, और आज उन वचनों का वास्ता देते हैं हम आपको ध्रुव जी। प्लीज हमें सच बता दीजिए, प्लीज। आपको हमारी कसम ध्रुव जी, धानी हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा भाई कभी तुम्हारी कसम नहीं तोड़ेगा, इसलिए हम ही तुमको सच बता देते हैं। भैया प्लीज, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज। बोले ने देना यार, वैसे भी बहुत गिल्ट में जी रहे हैं और ये बोझ जो हमसे झेला नहीं जा रहा। धानी, अब हम तुमको जो बताने जा रहे हैं ना, इसको सुनने के बाद एक बात भूल मत जाना तुम, कि हमने जो कुछ भी किया है ना, उसके पीछे हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, गलती हुई थी हमसे, बहुत बहुत बड़ी गलती, और उसका पछतावा है हमें। पिछले 3 साल से इसी पछतावे में तिल तिल कर मर रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले हम एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वहीं हमारी मुलाकात नैना से हुई, वो हमारी कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेटर थी। पूरी 1 हफ्ते थे हम मुंबई में, और उस 1 हफ्ते में अच्छी खासी बातचीत हुई थी हमारी नैना से। पता नहीं क्या हुआ, उस साल बहुत प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, तो पापा ने एक पार्टी रखी थी, उसी पार्टी में एंजॉय करते करते हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली, और नशे में कब एक दूसरे करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला। हम भूल गए कि हम शादीशुदा हैं। कल सुबह मिलते हैं। अंदर नहीं आएंगे क्या? कम। उस रात के बाद वो हमारे प्यार में पड़ गई, हमारे रिश्ते को लेकर और सीरियस हो गई। हमने उसे बहुत समझाया कि हमसे उस रात गलती हो गई, हमें माफ कर दे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। हमने उसे कहा कि हम शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी, हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन मान नहीं रही थी। हमारे पीछे पीछे लखनऊ तक भाग के आ गई, धमकी देने लगी कि तुम्हारे परिवार को हम सब कुछ बता देंगे, तो हमें लगा कि हम उससे मिल लेते हैं, एक बार मिलकर उसे प्यार से समझाएंगे तो शायद मान जाए। लेकिन नैना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शादीशुदा है हम, पत्नी है हमारी, तुम हमें भूल क्यों नहीं जाती हो? पिछले 1 साल से तुमको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई है नहीं क्या तुमको अकल देने वाला? मेरी माँ है अभिषेक, पर मैं उसे जाके क्या कहूँ? पर तुम मेरे नहीं हो सकते, तो तुम्हें मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी, समझे? बस, उस रात हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का, हम दोनों नशे में थे यार, होगी गलती, इतना दिल से क्यों लगा के बैठी हो? भूल जाओ, आगे बढ़ो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं, मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर। इस धोखे का फैसला तुम्हारे परिवार वाले करेंगे। बकवास बंद करो, कहीं नहीं जा रही तुम।
उस दिन तेरी जिंदगी तो बच गई लेकिन तेरे शरीर से जान निकल गई। आज 2 साल हो गए कोमा में, ऐसे ही बेजान पड़ी है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन जाते समय इसने मुझे अभिषेक का नाम बता दिया था, वरना हम तो जिंदगी पर कभी नहीं जान पाते कि हमारी बेटी का ये हाल किसने किया। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है वो मौत से लड़कर वापस आती है, और जब वही बच्चा उसकी आंखों के सामने जिंदा लाश की तरह पड़ा रहे तो वो माँ हर पल एक मौत मरती है। हमने बहुत कोशिश की कि अभिषेक के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करें, उसे सजा दिलवाए, लेकिन हम नाकामयाब हो गए। हमने फिर अपनी ट्रांसफर यहीं पर करवा ली और 24 घंटे काशीनाथ पांडे के परिवार पर नजर रखते थे कि उसका परिवार एक चूक करे और हमें अपना बदला मिल जाए। और देखो, भगवान ने तुम्हारे रूप में एक मौका दे दिया कि हम अपनी बच्ची का बदला ले सके वो पांडे परिवार से। थानी, हमने तुम्हारी कसम का मान भी रख लिया और सच जानना था तुम्हें, भैया ने सच बता दिया तुम्हें। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि सृष्टि के मर्डर केस में भैया का कोई लेन देन नहीं है। जो कुछ भी सुना तुमने, प्लीज प्लीज भूल जाओ उसे। क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी आप वही कह रहे हैं? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका दीदी के केस के साथ कोई लेना देना नहीं? दैट हम तो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये नैना जो लड़की है उसका इंस्पेक्टर देवी के साथ कोई ना कोई लेना देना है, इसीलिए वो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। और उसने अपना सबसे पहला शिकार आपको बनाया। धानी, हमारी बात सुनो, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही बातें बहुत अलग है, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। रुचि, अपने भैया के प्यार की ऐसी भी पट्टी मत बांधिए आंखों पे कि जो सच सामने वो नजर नहीं आ रहा आपको। जो इन्होंने किया है ना, सिर्फ एक गलती नहीं, गुनाह है, पाप किया है इन्होंने। और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने पूजा भाभी को दिया है। शादीशुदा होने के बावजूद आपने किसी और लड़की के साथ गैर संबंध बनाने की कोशिश की। पछतावा नहीं हुआ आपको? और तो और, अपनी गृहस्थी बचाने के लिए आपने इस बारे में किसी को बताया तक नहीं? एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया आपने, और ये सब कुछ जानने के बावजूद आप इनका साथ दे रहे हैं। बड़े भाई हैं हमारे, और नैना भी किसी की बेटी थी तुझी। हो ना हो वो जरूर इंस्पेक्टर देवी की बेटी है। धानी, ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? पता नहीं क्यों ना पता लगाया जाए। क्या कर रही हो तुम धानी? धानी क्या कर रही हो तुम? क्या बात है धानी जी, इतनी रात को फोन किए हो? पति को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई क्या? पति के लिए नहीं, आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं। नैना नाम था ना उसका, अभिषेक भैया ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना, जिसके वजह से उसकी जान चली गई। मरी नहीं है हमारी बेटी,
छोड़ दिया तुम्हारे जेठ ने उसे। हम उसे रोज तिल तिल मरता हुआ देखते, रोज खून के आंसू बहाते हैं, और अब वही आंसू तुम और तुम्हारा परिवार बहाएगा। जिस तरह काशीनाथ पांडे के बेटे ने हमसे अपनी बेटी छीन ली है ना, हम भी उसे उसका बेटा छीनेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कल ध्रुव पांडे को फांसी की सजा जरूर होगी। इसी बात का बदला ले रही है वो, दीदी के मौत का इल्जाम आपके सर पर थोप रही है, और जब तक आपको सजा नहीं दिलवा देती वो हार नहीं मानेगी, चुप नहीं बैठेगी। अब I'm sorry भैया, पर आपके पापों की सजा हम अपने पति को भुगतने नहीं दे सकते। हम अभी सबको सच बता रहे हैं, हनी, हनी हमारी बात, पापा, हनी, हनी प्लीज, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, प्लीज, हनी प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, ये बात सिर्फ भाई और हमारे बीच में, तो प्लीज हम दोनों के बीच में रहने दो ना। तुम्हारी महानता और इंसाफ के चक्कर में जो गलती भैया ने की है उसकी कीमत भाभी और उस छोटे से बच्चों को भी चुकानी पड़ सकती है। क्यों? भाभी और उस छोटे बच्चे को नहीं चुकानी पड़ेगी उसकी कीमत। गलती भैया ने की, अपनी पत्नी को धोखा उन्होंने दिया, देवी जी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, तो सजा भी उन्हें ही मिलेगी ना। थाने प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। बात को नहीं समझ रहे धीम जी, आप बात को नहीं समझ रहे। आप एक बहुत अच्छे इंसान, आपने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो फिर आपके भाई के कर्मों की सजा आप क्यों भुगते? आपको सजा मिलेगी, आपको फांसी होगी, तो हम क्या करेंगे? हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बार हमारे बारे में नहीं, भैया के बारे में नहीं, बस उस माँ के बारे में सोचिए जिसकी बेटी को इतने कम उम्र में बिस्तर से बांध दिया गया हमेशा के लिए। पर क्या बीत रही होगी ये समझने की कोशिश कीजिए ध्रुव जी। हम आपको सजा भुगतने नहीं दे सकते, पर अगर इसीलिए हमें भैया को जेल भेजना पड़े तो हम भेज देंगे। हम अभी देवी को फोन कर रहे हैं, हम कह देंगे उनसे कि जो असली गुनहगार है वो उन्हें गिरफ्तार करें। थानी, थानी प्लीज, थानी ऐसा मत करो प्लीज, थानी प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं करो। रो बचवा, अगर मर्द की औलाद है तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। ये तुमने क्या किया अभिषेक, क्या किया? हिम्मत कैसे हो एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब करने की? ये देख, देख तेरी वजह से तेरा छोटा भाई कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अभिषेक कहां तो लग जाई धक से बेटा, अरे कम से कम बता देते तो ये नौबत तो नहीं आती बेटा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू हमारी औलाद है। मैं बोले नाथ, हमने किसका पुत को जन्म दिया? हमें चिंता नहीं तुम्हारी, तुम्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का माजी।
वो सुदर्शन चक्रधारी है। अभिषेक वाह, ये संस्कार नहीं दिए थे हमने आपको? नहीं दिए थे संस्कार, नहीं दिए थे संस्कार आपको। अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस वक्त आप पर क्या बीत रही। आपको शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना है भाभी। एक तरफ आपके पति जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया, जो कुछ भी हो रहा है आज उनके वजह से हो रहा है, और दूसरी तरफ आपके प्यारे देवर हमारे पति जो बिल्कुल बेगुनाह है पर फांसी हो सकती है।